दोस्तों कैसे हो। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट हब। आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के डिपार्टमेंट से, यानी कि HSSC के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर ग्रुप डी के 249 पोस्ट है। हम इसके कंप्लीट डिटेल्स देंगे आपको, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका अप्लाई लिंक भी दे दूंगा, उससे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आप प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो अपनी स्टेट अपनी लोकलिटी की, तो आप अपने स्टेट का नाम साथ ही आप किस टाइप का जॉब ढूंढ रहे हो कमेंट कर दें, हम आपको आपके स्टेट के प्राइवेट जॉब बताएंगे 7 दिनों के अंदर। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की कम्प्लीट डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। टोटल वैकेंसी है 249 और यहाँ पर पोस्ट है ग्रुप डी के। इसके लिए आयु सीमा 18 से 42 साल, सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न एग्जाम पे और इंटरव्यू पे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है केवल 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन। आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, यानी कि www.hssc.gov पे जाकर। और इस वैकेंसी के लिए सैलरी आपको मिलती है 16,900 रुपए से लेकर 53,000 रुपीज तक। काफी अच्छी सैलरी मिलती है, आप जरूर से अप्लाई करें। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अप्लीकेशन फीस की, तो जनरल के लिए अप्लीकेशन फीस है मेल के लिए फीमेल के लिए 100 रुपए, वही फीमेल ऑफ हरियाणा रेसिडेंट के लिए 50 रुपीज। ऑल इंडिया से इस वैकेंसी के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए। हरियाणा के फीमेल्स के लिए एप्लीकेशन फीस है मात्र 50 रुपीज। वही SC BC कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा के लिए एप्लीकेशन फीस है मेल के लिए 50 रुपीज, फीमेल्स के लिए 25 रुपीज। और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का डेट है 22 मार्च से लेकर 24 अप्रैल के बीच में, तो अप्लाई जरूर से कर दें। अप्लाई करने का लिंक ये रहा आपके स्क्रीन पे।